जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। जंगल के पक्षी गर्मी से निढाल हो रहे थे। हर कोई बारिश के लिए दुआएं मांग रहा था। इसी दौरान एक दिन चीनू और जग्गू घर से बाहर निकले जंगल की सैर के लिए। हाय जग्गू जी, इस गर्मी ने तो मेरी सारी स्किन ही खराब कर दी है। शुक्र है घर से बाहर तो निकले। आज हम जंगल की खूब सैर करेंगे और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेंगे, फिर शाम को ही वापस घर जाएंगे। बता रही हूँ। हाँ अच्छा भाई, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आज तुम दिल भर के सैर कर लो, फिर घर जाकर कहोगी कि मैं तुम्हें जल्दी वापस ले आया। चीनू और जग्गू दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक उनकी नजर अमरूद के पेड़ पर पड़ जाती है। अमरूद का पेड़ बुरी तरह से रो रहा था। अरे जग्गू जी, वो देखें तो, अमरूद का पेड़ कितना रो रहा है। चले आए जाकर उससे पूछते हैं कि क्या बात है। तुम ठीक कह रही हो, चलो जाकर पूछते हैं उससे। दोनों पेड़ के पास पहुंचे। अरे 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 पेड़ भैया, क्या हो गया, इस तरह से क्यों रो रहे हो? बस क्या बताऊं दोस्तों, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई ना, तो मेरा तना सूख रहा है और अगर मुझे कुछ दिनों तक पानी ना मिला तो मैं तो मर जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे पानी की जरूरत है। पेड़ की बातें सुनकर चीनू और जग्गू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरे अरे पेड़ भैया, इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम चिंता मत करो, मैं हर रोज आकर सुबह सवेरे तुम्हें पानी दे दिया करूँगा, फिर तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा ना। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तुमने तो मेरा इतना बड़ा मसला हल कर दिया है। परंतु तुम ये सब कैसे करोगे, तुम्हारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। ओह कोई बात नहीं पेड़ भैया, हमारे घर के रास्ते में ही नदी आती है, हम हर रोज नदी से पानी ले आया करेंगे और तुम्हें दे दिया करेंगे। जब तक बारिश नहीं होती तब तक हम तुम्हारा ये काम कर देंगे। जग्गू की बातें सुनकर पेड़ बहुत खुश हो जाता है। फिर चीनू और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आजकल के जमाने में भी इतने अच्छे पक्षी हैं जो किसी की मदद करते हैं। आज ये मेरी मदद करेंगे तो कल को मैं भी इनके काम आऊंगा, मेरा भी खुद से वादा है। उस दिन के बाद से चीनू और जग्गू ने ड्यूटी लगा ली थी। वो हर रोज सुबह अमरूद के पेड़ को पानी दे दिया करते। पेड़ को पानी मिलने की वजह से वो पेड़ फलने फूलने लगा और कुछ ही दिनों में उसके पत्ते फिर से हरे हो गए। उधर कालू कौवा जग्गू के पड़ोस में रहता था, उसकी नजर चीनू और जग्गू पर ही रहती थी। अरे न जाने क्या बात है, ये दोनों सुबह सवेरे उठकर कहाँ जाते हैं, लगता है कोई लॉटरी लगी है इनकी। मुझे इनका पीछा करना होगा और ये जानना होगा कि आखिर ये हर रोज कहाँ जाते हैं और इतना खुशी खुशी वहाँ से वापस क्यों आते हैं। अगले दिन ही कालू ने उन दोनों का पीछा करने का प्लान बनाया। पीछा करते करते वो इसी जगह पहुँच गया था जहाँ वो दोनों पेड़ को पानी दे रहे थे। अच्छा तो अब समझा, ये है इनकी खुशी का राज, मैं भी देखता हूँ कि इनकी खुशी कैसे सलामत रहती है, मैं कल ही इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू पेड़ के पास जाता है। हाँ भाई पेड़, खुश हो लो, आज का दिन खुश हो लो तुम, कल तुम्हारी खुशी सलामत नहीं रहेगी। बड़ा इतरा रहे हो ना कि तुम्हें बैठे बिठाए पानी मिल रहा है, तुम देखना मैं कल तुम्हें जड़ से ही उखाड़ दूंगा। ये सुनकर पेड़ परेशान हो जाता है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। हाँ लेकिन कालू भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर तुम बिला वजह मुझे जड़ से क्यों उखाड़ना चाहते हो। देखो कल को मैं फल दूंगा तो इसमें सबका फायदा है ना, तुम इसे खाना और खूब पेट भरना, मुझे मत उखाड़ना प्लीज।
अरे भैया जरा अपनी शक्ल तो देखो, कैसे 12 बज गए हैं। बातें तो तुमने सारी ठीक कही हैं, लेकिन वो क्या है ना, दुश्मनी मेरी तुमसे तो नहीं है, हाँ उस जग्गू के बच्चे से जरूर है। वो हमेशा मेरे गलत काम के आड़े आ जाता है। मैं जब भी कुछ बुरा करने का सोचता हूँ वो मुझे इससे रोक देता है। इसलिए मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी इसका कोई काम सीधा नहीं होने दूंगा। बस इसीलिए भाई तुम्हें मेरी दुश्मनी की भेंट चढ़ना पड़ेगा। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम खुश हो लो आज का दिन। कल सवेरे जग्गू के आने से पहले मैं तुम्हें गिरा दूंगा। कालू पेड़ को धमकी देकर चला जाता है और पेड़ बेचारा फिर से परेशान हो जाता है। थोड़ी देर में वहां से मोंटू बंदर गुजर रहा था। अरे अमरूद भैया, क्या हुआ, तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? मोंटू के पूछने पर पेड़ उसको सारी बात बता देता है। अच्छा तो अब समझा ये बात है। तुम टेंशन मत लो, मैं एक ऐसी परी को जानता हूँ जो तुम्हारा मसला हल कर देगी। मोंटू बेचारा रात होने से पहले पहले परी के पास पहुँचना चाहता था, इसलिए वो बिना रुके काले पहाड़ों की तरफ सफर करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो परी काले पहाड़ों में रहती थी। फिर शाम होने से पहले पहले मोंटू काले पहाड़ों तक पहुँच गया था। परी जी, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ओहो मोंटू, जरा सांस तो लो, ये लो पानी पी लो और अब बताओ कि क्या बात है। फिर मोंटू ने परी को सारी बात बता दी। अच्छा, इस कालू की ऐसी की तैसी, मैं भी देखती हूँ कि वो कैसे एक बेकसूर पेड़ को जड़ से उखाड़ता है। इसका तो कुछ करना होगा। जल्दी चले परी जी, हमें वहाँ पहुँचते हुए बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आते समय भी मुझे कई घंटे लग गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें देरी हो जाए। ओहो मोंटू, क्या तुम भूल गए, मैं एक परी हूँ और मेरे लिए जल्दी पहुँचने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाऊंगी और हम वहाँ अमरूद के पेड़ के पास होंगे, ये देखो। ऐसा कहकर परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और वो दोनों अमरूद के पेड़ के सामने खड़े थे। परी को देखकर पेड़ ने उसको अपनी सारी दुख भरी दास्तान सुना दी। चुप हो जाओ पेड़, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और पेड़ पर ऐसा सुरक्षा कवच लगा दिया कि जिससे कालू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। चलो अब तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं जा रही हूँ, कालू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वहाँ कालू पेड़ को काटने की तैयारी कर रहा था। मेरे ख्याल से पेड़ को कुल्हाड़ी से काटूंगा, लेकिन कुल्हाड़ी से पेड़ काटने के लिए तो बहुत ताकत लगेगी, मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, पेड़ काटने वाली मशीन ले जाता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं पेड़ काटने के लिए मशीन ही ले जाऊंगा। कालू चीनू और जग्गू के जागने से पहले पहले पेड़ काटने के लिए मशीन लेकर पेड़ के पास चला जाता है। हाँ भाई अमरूद भैया, चलो उठ जाओ, शाबाश, तुम्हारी मौत का फरिश्ता आ गया है, बहुत कर लिया तुमने आराम, अब हमेशा के लिए आराम करने की बारी है। ऐसा कहकर कालू ने पेड़ काटने के लिए मशीन चलाई तो वो मशीन उल्टा कालू के पंखों को काटने लगी। अरे ये क्या हो रहा है, अरे ऐसे तो मैं गंजा हो जाऊंगा, अरे बाबा रे बाबा, अब मैं क्या करूं? अब अमरूद का पेड़ कालू को देखकर हंस रहा था, क्योंकि कालू आगे आगे था और वो मशीन उसके पीछे पीछे थी। क्यों भैया कालू, अब स्वाद आया, आए बड़े
मुझे जड़ से काटने वाले। फिर जब तक चीनू और जग्गू पानी लेकर पेड़ के पास पहुंचते, तब तक कालू कव्वे का काम तमाम हो चुका था। कालू की मृत्यु हो चुकी थी, उसके पंख भी बिखर चुके थे। चीनू और जग्गू ये देखकर हैरान रह गए। अरे जग्गू जी, ये सब कैसे हुआ और कालू यहाँ क्या कर रहा था? अरे चीनू बहन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सब क्या हुआ है। फिर अमरूद के पेड़ ने चीनू और जग्गू को रात में होने वाली सारी बात बता दी। वो भी ये सब सुनकर हैरान थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता समय गुजरने लगा और अगले दिन ही बारिश होने लगी। बारिश के होने की देर थी कि पेड़ पर ढेर सारा फल लग गया था। अरे जग्गू भैया, तुमने मेरी इतनी मदद की है, आज मुझ पर इतना ढेर सारा फल लगा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा फल तुम उतारो और इसे बाजार में बेच दो। मुझ पर जो फल लगा है वो कोई आम फल नहीं है, ये कभी ना खत्म होने वाला फल है, और ये वरदान मुझे उस परी ने दिया था। वाह, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम वाकई अपना सारा फल मुझे देना चाहते हो? हाँ जग्गू भैया, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरे फल पे केवल आपका ही हक है, और हाँ, थोड़ा सा फल मोंटू को भी दे देना, उसने भी मेरा बहुत साथ दिया। और फिर देखते ही देखते जग्गू बहुत अमीर हो गया था, क्योंकि अमरूद तो कभी खत्म नहीं हो रहे थे। वो जितना फल उतार कर बाजार लेकर जाता, अगले दिन उससे भी ज्यादा फल पेड़ पर लगा होता। देखा प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम बिना किसी लालच के किसी की भी मदद करेंगे तो वो कल को हमारे काम जरूर आएगा। चीनो और रानो दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों जहां भी जाती एक दूसरे के साथ मिलकर ही जाती। उस दिन दोनों स्कूल से आई तो बारिश होने लगी। बारिश ने ठंड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। अरे रानो, देखो ना, बारिश की वजह से कितना सुहाना मौसम हो गया है। मेरा तो मन कर रहा है कहीं सैर के लिए चलें। अरे चीनू, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी काफी दिनों से सैर के लिए जाने का सोच रही थी। चलो ये बारिश थोड़ी रुक जाए तो फिर हम सैर के लिए बाग की तरफ चलेंगे। दोनों सहेलियों ने जंगल में एक बाग की तरफ जाने का फैसला किया। वो बाग सेबों के पेड़ों का था। वहाँ ढेर सारे सेब लगे थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बारिश रुक गई। दोनों सहेलियाँ घर से निकल जाती हैं। अरे चीनू, बातों बातों में याद ही नहीं रहा, चलो और लाड़ो से भी पूछ लेते हैं, अगर वो जाना चाहती है तो उसे भी साथ ले चलते हैं। अरे हाँ रानो, अच्छा किया जो याद करवा दिया, वरना उसे पता चलता तो वो तो हम दोनों के मुंह को आ जाती। चलो आओ, उससे भी पूछ लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों सहेलियाँ लाड़ो चिड़िया के घर की तरफ चली जाती हैं। लाड़ो का घर जंगल के बीचों बीच था। लाड़ो के घर की तरफ जाते समय वहाँ ढेर सारे जंगली जानवरों की आवाजें भी थी। यार चीनू, पता नहीं ये लाड़ो इस जंगल में कैसे रहती है, यहाँ तो कितनी खौफनाक आवाजें हैं। सही कह रही हो रानो, मुझे तो खुद ये आवाजें खौफजदा कर रही हैं। चलो जल्दी चलो, लाड़ो से पूछ लेते हैं और यहाँ से निकलने की करते हैं। दोनों आपस में बातें करते करते लाड़ो के घर के पास पहुँच जाती है। उसने दरवाजा खोला। अरे चीनू रानो, तुम दोनों यहाँ, क्या हुआ, खैरियत तो है? अरे हाँ ना बाबा, सब खैर है। हम दोनों सैर के लिए जा रहे थे तो सोचा तुमसे भी पूछ लेते हैं, चलोगी हमारे साथ? अरे यार, मैं जरूर जाती, परंतु मेरे घर पर मेरे मामू आए हैं, अब उनको घर पर छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता ना। तुम दोनों चले जाओ, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। वैसे तुम दोनों जा किस तरफ रहे हो? अरे लाड़ो, सेबों के बाग की तरफ जाएंगे ना, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, सेब खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मेरे ख्याल से चीनू, हमें बातों में समय जाया नहीं करना चाहिए, शाम हो गई तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। चलो फिर ठीक है लाड़ो, हम दोनों चलते हैं। चीनू और रानो
लाड़ो को वहीं छोड़कर खुद बाग की तरफ चले जाते हैं। सेबू के बाग में ढेर सारा फल लगा था। वो दोनों फल को देखकर खुश हो जाते हैं। दोनों ने बहुत सारे सेब तोड़कर खाए और फिर टहलते टहलते वो दोनों इतनी दूर निकल गए कि वो दोनों रास्ता ही भूल गए। वो बाग जंगल के बीचों बीच वाके था। वहाँ ढेर सारे पेड़ थे और ढेर सारे रास्ते भी निकलते थे, इसलिए उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब उन्हें किस तरफ जाना है। अरे चीनू, यहाँ तो सभी रास्ते एक ही जैसे हैं। अब यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? हम तो रास्ता भटक चुके हैं। हाँ ना रानू, ये सभी रास्ते एक ही जैसे हैं। अब क्या होगा? मुझे तो डर लग रहा है। ऊपर से बारिश के बाद हर तरह के जीव जंगल में निकल आते हैं। अगर किसी ने काट लिया तो? अरे नहीं, और ऊपर से शाम भी हो रही है, अंधेरा हो गया तो रास्ता बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अरे चीनू की बच्ची, तुम कितनी डरपोक हो। मैं तो चल चल के थक चुकी हूँ। चलो आओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ कर लेंगे रास्ते का। अभी चलो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। ऐसा कहकर दोनों सहेलियां एक पेड़ के साए में आराम करने के लिए बैठी। बैठे बैठे दोनों को नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाते हैं। काफी देर के बाद दोनों की नींद खुली तो कालू कौवा उनके सामने खड़ा था। अरे कौन हो तुम और यहाँ हमारे पास क्या कर रहे हो? अरे यही सवाल तो मुझे तुम दोनों से पूछना चाहिए। आखिर तुम दोनों मेरे इलाके में क्या कर रही हो? कालू बड़ा बदमाश था। वो गैर कानूनी काम करता था और बहुत सारी चीजों को स्मगल भी करता था। कालू ने उस जंगल में एक गोदाम बना रखा था जहां उसने स्मगलिंग की चीजें छुपा रखी थी। कालू को डर था कहीं उन दोनों ने कालू का गोदाम ना देख लिया हो, इसलिए वो उन दोनों को वहां से जाने नहीं देता। अरे भैया, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? हम दोनों तो रास्ता भूल गए थे। हमें रास्ते की समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए हम यहाँ बैठकर आराम करने लगे और कब हमारी आंख लग गई हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, तो अब समझा, तुम दोनों रास्ता भूल गए थे। आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताता हूँ। कालू उन दोनों को एतमाद में लेकर अपने घर ले गया। कालू किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने चीनू और रानू को अपने घर के एक कमरे में कैद कर दिया। अरे रे रे भैया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें क्यों कैद में डाल रहे हो? हमें माफ कर दो, प्लीज दरवाजा बंद मत करो, हमें जाने दो। उसकी इतनी मिन्नतें करने के बावजूद कालू उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें कैद में डाल देता है। अरे चीनू, हम दोनों तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? सिवाय लाड़ो के कोई भी नहीं जानता कि हम जंगल की तरफ आए हैं। पता नहीं अब इस मुसीबत से कैसे जान छूटेगी। चीनू और रानू अपनी निजात के लिए दुआएं मांगने लगते हैं। वहां रात हो जाती है। चीनू और रानू के घर वाले अब परेशान हो गए थे। उन्होंने उन दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया। मीनू मासी चीनू की माँ थी। वो चीनू को ढूंढते हुए लाड़ो के घर तक पहुंच जाती है। मीनू ने लाड़ो के घर का दरवाजा खटखटाया। अरे मौसी, आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? क्या बात है? हैर तो है ना, इतनी रात को कैसे आना हुआ? अरे बेटा, चीनू और रानू को ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। सोचा वो दोनों तुम्हारे घर पर होंगे, बस उन्हीं का पूछने के लिए आई थी। क्या, वो दोनों अभी तक वापस नहीं आए? मीनू मौसी, वो दोनों ना मुझे भी साथ ले जाने के लिए आए थे, परंतु मेरे घर मेहमान बैठे थे, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जा सकी। मुझे तो वो दोनों बता कर गई थी कि वो सेबों के बाग की तरफ जा रही हैं। चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हम दोनों मिलकर उनको बाग में ढूंढ कर आते हैं।
लाड़ो और मीनू मासी दोनों बाग की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो उनको वहाँ नहीं मिलते। फिर उन दोनों ने उनको उसके आसपास की ढूंढना शुरू किया। अचानक उनको कालू कौवा मिल जाता है। उन्होंने उनके बारे में कालू से पूछा। मैंने तो ऐसे कोई पक्षी यहाँ नहीं देखे, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। नहीं नहीं कालू भैया, वो दोनों इसी तरफ आए थे। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो हम खुद उनको ढूंढ लेंगे। वहाँ अंदर बैठे बैठे चीनू और रानू को लाड़ो की आवाज सुनाई देती है। अरे रानू सुनो तो, ये आवाज तो लाड़ो की थी। लगता है वो हमें ही ढूंढने के लिए यहाँ आई होगी। अब हम उसे कैसे बताएं कि हम यहाँ कैद हैं? एक मिनट चीनू, यहाँ कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, चलो देखते हैं। ऐसा कहते ही रानू की नजर अपने कमरे पर लगे रोशनदान पर पड़ती है। वो फौरन से उस रोशनदान में जा बैठी और कालू के चले जाने के बाद लाड़ो को चुपके से आवाज दी। लाड़ो हम यहाँ हैं, ये कालू बहुत ही खतरनाक है, तुम अभी चली जाओ और पुलिस अंकल को लेकर आओ। चुपके से जाना, कालू को पता ना चल पाए, वरना ये तुम दोनों को भी कैद में डाल देगा। अच्छा अच्छा, तुम फिक्र मत करो रानू, मैं सब समझ गई हूँ, मैं बस अभी गई और अभी आई। ऐसा कहकर लाड़ो और मीनू मासी सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती हैं। वहाँ लाड़ो ने पुलिस कबूतर को सारी बात बता दी। अरे क्या बात कर रहे हो जी आप, उस कालू के बच्चे को तो हम बरसों से ढूंढ रहे हैं और वो इसी जंगल में छुपा बैठा है। कोई बात नहीं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम अभी वहां पर जाकर छापा मारते हैं। फिर कबूतर और लाड़ो मीनू मासी को भी अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। लाड़ो को कालू के ठिकाने का पता था। कबूतर को अचानक वहां देखकर कालू की तो सिट्टी गुम हो गई। पहले तो कालू ने भागने की कोशिश की। अबे जाता काहे रे, तो यहाँ से बचकर भाग नहीं सकता। अबे रुक रुक, तेरी तो अबे रुक जा, वरना गोली चला दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। अरे भैया वो तो मैं तुझे बताऊंगा ना कि तूने क्या किया है, अभी तो चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, वहां जाकर चाय पानी देता हूँ तुझे, फिर तुझे सब याद आ जाएगा कि तूने क्या किया है। फिर कबूतर ने कालू के सारे घर की तलाशी ली तो एक कमरे से चीनू और रानो बरामद हो गईं। और इस तरह से लाड़ो चिड़िया की समझदारी की वजह से उन दोनों की जान बच गई। वहां कालू की तो शामत आ चुकी थी। पुलिस स्टेशन ले जाकर कबूतर ने कालू को उल्टा लटका कर खूब छित्रोल की। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए, और ये भी कि किसी गैर पर भरोसा नहीं करना चाहिए।